नमस्ते, मैं नरेंद्र दुबे सागर मध्य प्रदेश से। पटवारी पेपर सीरीज आप लोग देख रहे हैं, जिसमें आज 10 दिसंबर का शिफ्ट सेकंड का पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इससे पहले से फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक छोटी सी जानकारी आपको देनी है, सीपीसीटी पेपर सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, और इसके बाद जो सीरीज आनी है वो मध्य प्रदेश कांस्टेबल की है, और बीच में आपको सब इंस्पेक्टर के पेपर भी मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं, कोशिश की जाएगी कि सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं वो अपलोड करके प्रदान किए जाएं। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं और बेहतर तरीके से काम कर सकूं। और आप सब लोगों का प्रेम मिलेगा तो मैं और बहुत अच्छे से काम करूंगा। इसलिए चाहता हूं कि शेयर कीजिए, बहुत सारे लाइक्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे आपके सपोर्ट के साथ हम सब लोग सफल होंगे। तो और ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में ये क्वेश्चन रह गया था, गृह कट का समास विग्रह क्या है? गृह को काटने वाला। तो रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज से आज हम देखेंगे, इसको हम बहुत जल्द समअप करेंगे। जल्दी ही किस योजना का नाम बदलकर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया है? तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर ये नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, ये किसान मित्र का प्राथमिक कार्य है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम क्या है? मृगनयनी। तो इसको आप ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। पूरे भारत में इसका नाम क्या है? मृगनयनी। हस्तशिल्प उत्पाद है ये। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1999 में, अटल बिहारी प्रधानमंत्री जी थे उस समय। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन नहीं है जिसके लिए एक कृषि निवेश ऋण एक किसान को दिया जाता है? तो बीज की खरीदी के लिए नहीं दिया जाता है, सिंचाई के लिए दिया जाता है, मशीनरी के लिए दिया जाता है, भूमि विकास के लिए दिया जाता है और अन्य के लिए। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम किस आयु की बालिका पात्र है? तो यह है 10 वर्ष की। अगला प्रश्न, PMGSY के अंतर्गत 2016-17 में सर्वाधिक लंबाई वाली सड़कें बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? पुरस्कार दिया गया बिहार एवं मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स एक्टर पर उच्चतम सीमा को खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था, तो ये किया गया था 1960 में। थोड़ा सा स्पीड से बोल रहा हूँ, प्लीज मैनेज इट, और जैसे ही समझाने की जरूरत होगी जरूर समझाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य या सिद्धांत क्या है? तो यह है विकेंद्रित लोकतंत्र, डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है? सारी शक्तियां एक सेंटर में होती हैं, और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है? सबके पास थोड़ा थोड़ा पावर होता है। जैसे हमारा गांव का सरपंच होता है, उसके पास विधायक होता है, या जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है, या महापौर होता है, या सांसद होता है, फिर मंत्री। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था पंचायती राज व्यवस्था लाकर, कि सभी के पास थोड़ा थोड़ा अधिकार होगा, सब अपनी बात, एक छोटा सा व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकता है, उसको चैनल अलग अलग दिए गए, इसलिए ऐसा किया गया। तो ज्यादा डिटेल नहीं, अभी इतना ही। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस साइंसेज, भारतीय मृदा सॉइल साइंस जो है, सॉइल साइंसेज, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी भोपाल में ही स्थित है। बहुत सारे, हमारे भोपाल राजधानी है इसलिए ज्यादातर
जो अच्छी या फिर जो भी जरूरी चीजें हैं वो भोपाल में या इंदौर में या ग्वालियर में या जबलपुर में, जो भी आपके महानगर है मध्य प्रदेश के, वहां पर ज्यादा मिलता है। बहुत से 52 जो हमारे जिले हैं सभी में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए हल्के में किसी को नहीं ले सकते, सभी जरूरी हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी कृषि मंडियां विनियमित हैं? तो ये है 500 से 600। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रजाति का चावल नहीं पाया जाता? तो ये किस में नहीं पाया जाता है? नीला चावल नहीं पाया जाता, लाल, काला और भूरा तीनों प्रकार का चावल पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके बारे में 3F के नाम से प्रचलित पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता? तो 3F में पहला F है फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, पदाधिकारियों, किसानों के लिए इसमें नहीं है। ठीक है, किसान, इसका आंसर क्या है? किसान, और तीनों F में से ये तीनों F है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मार्च 2016 तक कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो 2016 तक 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में हुई थी, कब हुई थी? 1952 में नेशनल काउंसिल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1952 में हुई थी। वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में भारत की श्रेणी कौन सी है? 119 में से 100, जो कि बहुत बुरी है। इतना ज्यादा हमारा टारगेट नहीं होना, बहुत कम, धीरे 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 कम करना है। अगला प्रश्न है आपका, यदि स्वयं सहायता समूह स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आता है तो पंचायत का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? समूह के उत्पादों का विपणन करना, क्या है? मार्केट द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप, विपणन नहीं करना। राज्यों में कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव करवाता है? संबंधित राज्य के चुनाव आयोग। अगला प्रश्न, किस कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य है? कृषि वानिकी कृषि योग्य भूमि पर अधिक से अधिक वृक्षों का विस्तार करना। कंप्यूटर नॉलेज, 3 मिनट, बहुत जल्दी करना है, स्टार्ट करते हैं। ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर CC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है कार्बन कॉपी, और एक होता है BCC, उसका होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस नहीं है तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर कीबोर्ड एंड माउस इनपुट डिवाइस है। गैंट चार्ट को इसमें आसानी से बनाया जा सकता है, तो MS Excel 2007 में बहुत आसानी से गैंट चार्ट को बनाया जा सकता है। एक एक्सेल डॉक्यूमेंट जो भी फाइलों के रूप में संग्रहित होता है तो उसे वर्कशीट बोलते हैं। एमएस वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी कुंजी है? तो Ctrl U है। डबल अंडरलाइन करना है तो Ctrl+Shift+D के द्वारा आप डबल अंडरलाइन वर्ड में कर सकते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में उससे करोगे तो उससे कॉपी हो जाती है। वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को वेब पेज देखने की सुविधा देता है उसको इंटरनेट ब्राउजर बोला जाता है। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें खालिस्तान नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना बूटिंग नहीं होती है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यूनतम कितने रो और कॉलम होते हैं? उसमें एक तो होना ही चाहिए। एमएस वर्ड 2007 में किस मेन्यू का उपयोग करके कैरेक्टर साइज और टाइपफेस को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो होम के द्वारा आप ऐसा कर सकते हो। खालिस्तान CPU का एक हिस्सा नहीं है तो प्रोग्राम यूनिट CPU का हिस्सा नहीं है। स्टोरेज यूनिट, ये ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सारे तीनों हिस्से हैं हमारे CPU के। एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने हेतु तो किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो हाइफन का उपयोग किया जाता है, जैसे आपने 10 डाला फिर -20 डाल दिया ऐसा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क जैसे एक कार्यक्रम फाइल फोल्डर आदि पर या आपके कंप्यूटर पर किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए लिंक है? तो ये है आपकी शॉर्टकट। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2007 में कौन सा शब्द फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो फॉन्ट ग्रामर, स्निक फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट कलर होता है, फॉन्ट ग्रामर नहीं होता है। डॉट मैट्रिक्स इसका एक प्रकार होता है, प्रिंटर का एक प्रकार होता है। ठीक है, अनपेक्षित कॉमर्शियल ईमेल्स को एक नाम से जाना जाता है, इसको स्पैम बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड में आप निम्न के द्वारा एक पेज को ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं? तो अपने कर्सर को उचित स्थान पर रखकर और Ctrl+Enter कुंजी को दबाकर आप ब्रेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता? थिंकिंग, सोचता नहीं है कंप्यूटर। इनपुट हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, प्रोसेसिंग हो सकती है, बस सोचने का काम उसका नहीं है, ये आपका काम है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन
का इस नाम से भी जाना जाता है, ब्रॉडबैंड नेटवर्क। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल कमांड के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, सब कुछ किया जा सकता है।